हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दो वर्ड्स के बीच में या दो सेंटेंसेस के बीच में हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग किस तरह से मेंटेन करना है, या दो वर्ड्स के बीच में या दो पैराग्राफ के बीच में वर्टिकल स्पेसिंग किस तरह से मेंटेन करना है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ब्लैंक फाइल ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं फिर से कुछ डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे दो पैराग्राफ्स ले लेता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। तो मैं ये टेक्स्ट लेते कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट लेने के बाद अगर मैं बिल्ड एंड व्यू अगर करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे दो पैराग्राफ्स क्रिएट हो चुके हैं। आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे दो पैराग्राफ्स क्रिएट हो चुके हैं। अभी अगर मुझे किसी दो वर्ड्स के बीच में अगर कुछ स्पेसिंग देना है, कुछ ब्लैंक स्पेस मुझे अगर छोड़ना है, ठीक है, तो उस ब्लैंक स्पेस को छोड़ने के लिए क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये कॉमा के बाद, ठीक है, एक इतना सेंटेंस है, ठीक है, और ये दूसरा सेंटेंस यहाँ से चालू हो जाएगा, या दो अलग अलग कंटेंट्स हैं, इनके बीच में अगर मुझे कुछ स्पेसिंग छोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में अगर आपको स्पेसिंग, या इंचेस में अगर आपको स्पेसिंग छोड़नी है, तो क्या कर देना है आपको, यहाँ पे एक कमांड देना है एच स्पेस। अगर आप कमांड दे देते हो, एच स्पेस स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस। इस हॉरिजॉन्टल स्पेस के साथ एक कर्ली ब्रेस आएगा जिसमें लेंथ लिखा हुआ है। तो ये लेंथ आप मिलीमीटर में आप स्पेसिफाई कर सकते हो। मिलीमीटर में स्पेसिफाई करने के लिए आपको mm देना है। सेंटीमीटर में स्पेसिफाई कर सकते हो, सेंटीमीटर के लिए आपको cm लिखना है। इंच में आप स्पेसिफाई कर सकते हो, इंच के लिए सिंपली आपको IN लिखना है। तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में आपका स्पेसिंग छोड़ के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये दो सेंटेंस के बीच में मुझे 2 सेंटीमीटर का स्पेसिंग, ब्लैंक स्पेस अगर मुझे रखना है, तो मैं यहाँ पे कमांड दे दूंगा एच स्पेस और ब्रैकेट में दे दूंगा मैं 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस अमिट वर्ड के बाद में देखोगे तो 2 सेंटीमीटर का स्पेस यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। मैं फिर से इसको बिल्ड एंड व्यू अगर करता हूँ, और बिल्ड एंड व्यू करने के बाद पीडीएफ फाइल अगर मैं देखता हूँ, तो इस पीडीएफ फाइल में आप देखोगे कि इस अमेट वर्ड के बाद 2 सेंटीमीटर का स्पेसिंग आपका छोड़ा गया है। बाय डिफॉल्ट लेटेक्स एडिटर कोई भी स्पेसिंग नहीं छोड़ता है। तो आपको यहाँ पे कभी अगर आपको जरूरत है कि दो वर्ड्स के बीच में अगर आपको स्पेसिंग अगर छोड़ना है, तो यहाँ पे आप स्पेसिंग छोड़ सकते हैं। उसी तरह से आप अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के जगह 2 इंच अगर मैं कर देता हूँ, फिर से इसको बिल्ड एंड व्यू में अगर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो आउटपुट पीडीएफ है यहाँ पे 2 इंच का स्पेसिंग आपका छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग किस तरह से छोड़ना है, या दो सेंटेंस या दो वर्ड के बीच में। अगर मुझे दो पैराग्राफ के बीच में अगर कोई स्पेसिंग अगर मुझे छोड़ना है, वर्टिकल स्पेसिंग अगर मुझे छोड़ना है, ठीक है, ये दो पैराग्राफ के बीच में अगर मुझे 1 इंच का स्पेसिंग, या 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी स्पेसिंग मुझे छोड़ना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है वी स्पेस, दैट इज वर्टिकल स्पेस। और इस वर्टिकल स्पेस के साथ लेंथ आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और इस पीडीएफ को अगर फिलहाल अगर आप देखते हो, दो पैराग्राफ के बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग 2 सेंटीमीटर का अलाउ कर दिया है। और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू अगर आप करता है, और आउटपुट पीडीएफ में अगर आप देखोगे, तो ये दो पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग जो है, वो स्पेसिंग हमारे पास 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सेंटीमीटर की जगह अगर मैं इंचेस में अगर देता हूँ, 3 इंच का स्पेसिंग अगर मुझे छोड़ना है, तो यहाँ पे \v space 3 इंच कर देता हूँ, और इंच के लिए यूनिट है हमारे पास IN। और फिर से मैं इसको बिल्ड एंड व्यू अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो पैराग्राफ के बीच का जो स्पेसिंग है वो 3 इंचेस का छोड़ा जाएगा। तो इस तरह से आप दो सेंटेंस के बीच में या दो पैराग्राफ के बीच में अगर आप स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग या हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए दो कमांड मैंने आपको बताए थे। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए आपका एच स्पेस, और वर्टिकल स्पेसिंग के लिए आपका वी स्पेस। उसी तरह से अगर मुझे लगता है कि ये जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ मुझे एक्सट्रीम टॉप को चाहिए पेज के, और बॉटम पैराग्राफ जो है वो पेज के एकदम बॉटम में अगर मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कमांड है, दैट इज वी फिल। वी फिल कमांड अगर मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ, ठीक है, यानी वर्टिकल फिल, तो क्या हो जाएगा,
ये जो वी फिल के ऊपर का जो मेरे पास टेक्स्ट है वो पेज के टॉप पे रखा जाएगा और वी फिल के नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो पेज के बॉटम में रखा जाएगा। तो देखिए मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं, और बिल्ड एंड व्यू करने के बाद अगर आप आउटपुट पीडीएफ अगर आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये पेज के टॉप में आ गया है और ये जो दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट ये पेज के बॉटम में आ चुका है, और बाकी जगह आपका एक हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या किया जाएगा, नॉट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग आ जाएगा। तो अगर आपके पेज पे अगर कंटेंट्स कम है तो उसका स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए आप ये वी फिल भी कर सकते हैं। वी फिल के समान ही एक हॉरिजॉन्टल एच फिल कमांड भी है। तो एच फिल के लिए क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए डेट और राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए, आप जनरली लेटर्स में वगैरह लिखते हैं कि यूअर्स फेथफुली फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से लेटर में वगैरह लिखते हैं, आपको लगता है कि डेट मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड को चाहिए और यूअर्स फेथफुली मेरा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड को चाहिए, और बाकी के दोनों के बीच में अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं हम यूज करेंगे backslash hfill। hfill कमांड अगर मैं यूज कर देता हूं और इसको अगर मैं रन कर देता हूं तो आप देखेंगे कि आउटपुट पीडीएफ में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डेट लेफ्ट हैंड साइड को आया हुआ है और yours faithfully हमारे पास राइट हैंड साइड को यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंट छोड़ा गया है, क्यों इंडेंट छोड़ा है, क्योंकि अगर आप ये दूसरा पैराग्राफ और ये कम लाइन अगर देखते हो, डेट वाली लाइन, यहाँ पे मैंने कुछ लाइन ब्लैंक रखी हुई है, तो लाइन ब्लैंक अगर मैं रखता हूँ तो पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है, और पैराग्राफ अगर हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे इंडेंट छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडेंट छोड़ा गया है। अगर मुझे यहाँ पे इंडेंट नहीं चाहिए तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, नो इंडेंट कमांड अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, और फिर से इसको मैं बिल्ड एंड व्यू अगर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो डेट है वो एक्सट्रीम लेफ्ट को आया हुआ है, यूअर्स फेथफुली एक्सट्रीम राइट को आया हुआ है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस छोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको दो वर्ड्स के बीच में फुल लाइन एक्सटेंड करते हुए बीच में अगर कुछ आपको ब्लैंक स्पेस अगर रखना है तो आई विल यूज दिस एच फिल कमांड। और वी फिल कब यूज करेंगे, जब कुछ टेक्स्ट हमारे पास पेज के एक्सट्रीम टॉप पे चाहिए और कुछ कंटेंट्स हमारे पास बॉटम के एक्सट्रीम बॉटम में चाहिए और उनके बीच में अगर मुझे ब्लैंक स्पेस चाहिए तो मैं वहां पे वी फिल यूज करूंगा। तो वी फिल, एच फिल, देन एक एच स्पेस और दूसरा वी स्पेस, ये चार कमांड्स हमने इस वीडियो में देखे हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।